तो सुबह के 4:30 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ से सीधा मुझे दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि दिल्ली में आज ऑडिशन स्टार्ट हैं। तो जितने भी दिल्ली के लोग हैं उनको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार। प्लीज़ गाइज बी पेशेंट और अच्छे से ऑडिशन देना, गिव योर बेस्ट शॉट एंड मेरी तरफ से सबको गुड विशेज। और नींद आ रही काफ़ी, पर ये हमारा काम है यार, हमें ट्रैवल करना ही करना है। एक तरफ मेरा घर बन रहा है, दूसरी तरफ वाइफ को देखना, तीसरी तरफ पूरी फैमिली को देखना, चौथी तरफ काम भी करना, वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल, बट मैनेज होता है, ऊपर वाला करवाता है। सो फ्लाइट में जाके सो जाऊँगा, देखता हूँ। नींद आती नहीं है मुझे फ्लाइट में यार, पर अभी ट्राई करूँगा सो जाऊँ ताकि 3 घंटे का पावर नैप मिल जाए, ताकि थोड़ा सा फ्रेश लगूँ, वरना दोपहर तक तो हमारा बिजी शेड्यूल है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर रोडीज, वेरी एक्साइटेड। लेट्स गो टू दिल्ली। क्या बोलना चाहेगा, हम एयर इंडिया में वापस जा रहे हैं। हम से ज़्यादा खतरों का खिलाड़ी कोई नहीं है गाइस, हम रियल लाइफ में खतरे से खेलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली गाइस। सुबह की कॉफ़ी मैंने फिर ले ली है, जबकि मुझे मना है कॉफ़ी पीना, मतलब डार्क हॉट चॉकलेट पीना मना है, मैं फिर भी पी रहा हूँ यार, पता नहीं क्यों। ये मुँह लग जाती है ना तो गंदी बात हो जाती है। बस अभी मुझे ड्रॉप करनी है चीज़ें, मैं छोड़ूंगा और पहुंच चुका हूं। अभी मैं जा रहा हूं सीधा बाहर, मेरा भाई मंदीप आ रखा है और उसके साथ मिलकर मैं पहुंच जाऊंगा लोकेशन। ये भी हमारे साथ चलेगा, बाकी गाड़ी में बाकी स्टाफ आ जाएगा सारा। और रास्ते में जो मस्ती होगी, अभी मंदीप जो आ गया हमारा, बस अभी आप सुनते रहना, तूफान इज कमिंग। आज उनके साथ प्रैंक कर दें क्या? कर दें क्या बताओ, कर दें, कौन ट्रेंड हो जाएगा आजकल, कैसा प्लान करें? कुछ करते हैं प्लान, पूरा दिन पड़ा है, प्लान करते हैं कुछ, चलो कुछ प्लान करते हैं उसके बाद। सीरियस वाला ठीक है, चलो गाइस कुछ प्लान करते हैं। और अभी मैं चलो आपको जाके ऑडिशन में मिलता हूँ, बाकी तो आप देखते रहना। ये हमारा फोटोग्राफर है, मतलब इसकी वीडियो हमें बनानी पड़ती है। हैं, कैसा रहा शो? हमारा शो तो बढ़िया रहा, तू आ गया सही से। ये हमारा वो बंदा है जो कहता है मैं सलमान खान हूँ। हाँ सलमान खान, सलमान खान भाईजान कैसे बन गए हो आप? हम आपको पहचाना नहीं। अरे कैसन हो भैया जी, ठीक हो? हाँ क्या हुआ? बस मैं कह रहा हूँ तो जिमो है आ की है पार्टी आवाज रहा ओ एडिडास ओ एक्चुअली एडिडास एक्चुअली नाइकी एडिडास नकली पाया साले ने। साले कोई कह दे नकली है, मैं तेरे को फ्री के फोन दे दूंगा। फ्री मैं ही कह रहा था, एक मिनट चुप कर जा, एक मिनट वास्ते चुप कर जा, रब दा वास्ता तेनू। चल मैं ओनू लेन चल जाना, ठीक है। बाकी मैं कहा ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। पुरानी बातें हैं ये सब, और पहले व्लॉग में देख चुका हूं। आपने एक वीडियो देखी थी हमारी लास्ट टाइम, दो जहाँ पे गाला फरमाइल से भी नहीं होता तो गर्दन के दबा लो, ये कह रहा डॉक्टर साहब। देख गर्दन साफ हो गई, अब देख इसकी गर्द, कह रहा अब देख गर्दन साफ हो गई साला, भी ज्यादा मैल नहीं ये बातें तो चलेंगी कुछ, अगर हंसी मजाक नहीं होगा अपने लोगों में। नहीं हम बाहर के लोगों को बुलाएंगे, पब्लिक नहीं भी। अच्छा मेरे कपड़े आ गए, नए लोग हैं, नए लोग कपड़े थोड़ी देर चुप, पहले आप कुछ शांति ले गल कर ली। गड्डी खड़ाया सी कैसा है? बढ़िया।
हेलो गाइस, कैसे हो? तो आ गया इनसाइडर बनके हमारी किस्मत में फिर। क्या करूं भाई, इस बार मैं चाहता हूँ आप जीत जाओ। अरे मैं गैंग के बाहर हूँ, आप जीत जाओगे। ना ना कोई ना, जीत हार लगी रहती है, अपना प्यार बना रहना चाहिए। मैं बोलता हूँ, मुझे बोला एमटीवी ने कि फेवरेशन यूनिट पर, सो सॉरी गाइस, यहाँ लग फिर रिजन रहेगा, यहाँ कुछ नहीं कर सकता मैं। मैं उसमें बोल दूं कुछ अलग अलग, वो तो भाई समझ जाएंगे। हाँ। पर दिल से हम फिनाले में खड़े होंगे, हमें चाहिए कि भाई इस बार जीत जाए। ठीक है, और आप वो भी तोड़ देंगे, एलविज भाई का कोई बोल सकता है क्या? एलविज भाई का प्रिंस बोल सकता है? मेरी एक दिल की ख्वाहिश है, एलविज भाई हर जगह जीते, एक बार प्रिंस भाई हरा दे, ओहो मजा आ जाएगा दिल से अंदर, पता चलेगा रोटीज में आया बंदा। वो छोटा भाई है, उसको मैं तंग वैसे ही करूंगा। अभी एलविज मिली, मैंने बोला कि आप जब भी लास्ट ईयर प्रिंस भाई टेंट में आते थे, एक ही जगह थे, मैं नेहा को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि सब मेरे ऑपोजिटर, वो चाहे अपोजिट भी होती थी, कम से कम बैठ के बात तो कर लेते थे। सो स्वीट, मैं देखा मैंने तुम्हारी वीडियोस। हाँ। ऐसा लग रहा, कैसा था कल क्राउड? कल सर मैं बता रहा हूँ, आप लोग जब से वापस आए हो ना, बढ़िया। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेटी में 50 से 100 लोग होंगे मैक्स। हाँ। 500-600 बंदा था। क्या बात कर रहा है। और वहाँ पे बैरिकेड टूट गए। टेंशन फ्री देखूंगा तो मजा आएगा, क्योंकि तू उसके पीछे होगा, तू वो देख पाएगा जो तुम्हारे साथ। ऑनेस्टली बताऊं, मैं टेंशन फ्री था, मुझे पता सेव तो कर ही दोगे। चल ठीक है, कर दूंगा। ओके मेरी जान, लव यू, गुड लक, आशीर्वाद। देखो मैंने एलविश का पूरा फेरा चक लिया। एलविश व्लॉग में मास्टर, तो हमने बोला हम मास्टर के साथ बना लेंगे क्लास। हाय भाई, एलविश का व्लॉग भी साथ चल रहा है, दोनों व्लॉग साथ में चल रहे हैं भाई। जितने लोग व्लॉग से व्लॉग को मिलवा दो। हाँ, व्लॉग से व्लॉग मिलवा दो। ठीक है भाई, हमें भी भाई बोल दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नया चैनल है। प्रिंस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। ये कौन सा पहली बार निकालते व्लॉग? प्रिंस वाला व्लॉग अभी शुरू किया। तो भाई अभी इसको जल्दी से पाड़ मारो, बढ़िया कर दो। पूरी जर्नी पे साथ रहने वाले हैं, और वहाँ पे इकट्ठे ब्लॉग आएंगे, मजा करेंगे, और भाईचारे वाला पूरा रहेगा अपना, आप तो मजा मान देंगे। रिया और नेहा को पकड़ेंगे। वो रिया और नेहा बच के रहना। आगे आगे भाई रोडीज का तो प्रिंस है, बट रियलिटी का किंग। वेलकम प्रिंस मलूरो। जन्नत में चेकिंग है, अगेन को ऊपर लेके जाने की सेटिंग है। जन्नत में चेकिंग है, अगेन को ऊपर लेके जाने की सेटिंग है।
तरफ घूम गया, गिर गया, गिर गया, तो गलत हो जाएगा। हम दोनों को साइड करके हम ड्रॉप करके डालते हैं। आगे नी आगे मुंडे, शागे मुंडे, तुके नी तीर निशाने, लागे नी लागे मुंडे, निके पिंडा विच जम्मे, गबरू ने उच्चे लम्मे, जेड़े आटाउं तेरे विच गल्ला करवा गे। क्योंकि अभी लोगों को जो लोग बीच में आए भी थे कुछ सवाल उठाने के लिए ना, बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे। अगर आज आप जाकर देखोगे इंस्टा पे है ना, तो जो पॉजिटिव कमेंट्स नेहा को आए हैं वो लोगों को फील हुआ कि जब नेहा नहीं है तो क्या मिस किया हमने शो। दिस इज द रिटर्न ऑफ द ओजी, बिकॉज़ 20th सीजन है, माइलस्टोन सीजन है। नेहा को पब्लिक डिमांड की वजह से बुलाया गया, लोगों ने बोला गेट ओजी बॉस लेडी बैक। पहला अच्छा सवाल है कुछ जो शो है काफी अलग शो है बाकी जो अपने शो के, इसमें फिजिकल एक्टिविटीज आते हैं, फिजिकल टास्क आते हैं। प्रिंस आपके दोस्त हैं बड़े भाई की तरह भी, और आपको सपोर्ट करने भी आए थे जब आप जीते थे, जब मीटअप हुआ था, तो क्या है फिजिकल आपने उनसे सलाह ली कि इस तरह क्यों करना है इसको? गैंग लीडर को भी टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं फिजिकली, तो अभी तक वो देखने को वो रूप आपका मिला नहीं? मैंने अभी तक पूछा नहीं था भाई क्या कैसे करना है फिजिकल कैसे करना है। मैं अभी जिम स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत सारी चीजें फिजिकली स्टार्ट कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, जो कि बता नहीं सकता मैं यहाँ पे। ये अपने आप धोखा कर रहा है, मैं अपने आप को डबल क्रॉस कर रहा हूँ, तो वो वहीं पे दिखाऊंगा मैं एकदम से आपको नया रूप देखने के लिए। जिम कर रहे हैं बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई।